राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली सजा और लोकसभा की सदस्यता जाने पर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है। कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है। ऐसे में सियासी हंगामा देखा जा रहा है। इस हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर करारा वार किया है। राहुल गांधी वो शख्स हैं जो पूरे देश को कहते हैं डरो मत, और उसको डराने की कोशिश की जा रही है। उस व्यक्ति को कहते हैं पूरे देश को कि डरो मत, और उसे डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जो उस मिट्टी के बने हैं कि इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई के छापों पर भी भूपेश बघेल ने केंद्र पर पलटवार किया है। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहां छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहां ईडी का ऑफिस ही नहीं है। वहीं रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के आवास खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस पर कहा है कि बीजेपी बदले की भावना से राहुल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। किस तरह से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार हमारे नेताओं को, शीर्ष नेताओं को कोशिश कर रही है कि उनको दबाया जा सके, लेकिन जो आवाज लोगों की आवाज है उसको कैसे दबा सकते हैं। हालांकि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को जवाब दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सांसद नहीं रहे तो आवाज कैसे रहेगा। ये प्रश्न कहां बनता है, राहुल जी सांसद नहीं रहे तो आवाज कैसे रहेगा, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस विरोध कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून बना लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में लगातार रणनीति बना रही है। लखनऊ में भूपेश बघेल तो रायपुर में कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े सवाल उठाए हैं। वहीं रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में राहुल के समर्थन में रणनीति तय की गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस हंगामे का अंत कब होता है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होती है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मंथन करते हैं, आगे की रणनीति तय की जाती है। जहां एक तरफ मंथन चल रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई होती है। अब सवाल ऐसे में कई उठते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री सामने आकर के कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये छापेमारी वहां क्यों नहीं होती है, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। नहीं, जब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से नेता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है, लेकिन शुरुआत धनंजय सिंह ठाकुर जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि सवाल बार बार ये उठाए जा रहे हैं कि ईडी अगर एक्शन करता है, ईडी की कार्रवाई होती है, ना सिर्फ अभी, इससे पहले भी जितनी बार ईडी की एक्शन देखने को मिला उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार बार बार सवाल क्यों उठाती है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि ईडी बेहतर तरीके से दे पाएगी। जो लगातार विपक्षी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मोहरा बनकर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, अगर ईडी निष्पक्ष कार्रवाई करती तो छत्तीसगढ़ से जो शिकायतें ईडी के पास गई है, जिसमें रमन सिंह के 3600 करोड़ का चावल घोटाले का जिक्र है, जिसमें अभिषेक सिंह के पनामा पेपर्स के मामले की शिकायत की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की आम जनता के पैसे को चिटफंड के साथ साठ गांठ कर भाजपा नेताओं ने जो लूट मार किया है, एक संगठित होकर उस आर्थिक चोट पहुंचाने का काम किया है, जिसकी जांच की बात ईडी की शिकायत में दर्ज कराएगी, ईडी पास में उसकी जांच करती। ईडी का काम जो है वो अपना मूल काम छोड़ के सिर्फ भाजपा के विरोधी जो दल है उसके, आप एक संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं धनंजय जी, संवैधानिक संस्था के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल तो उठता है ना, सवाल तब उठता है जब केंद्र में बैठी सरकार के जो कानून मंत्री हैं वो जजों को ये धमकी दे कि जज जो विपक्षी भूमिका ना निभाए
तब ये सवाल उठते हैं कि किस प्रकार से संविधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग या यूं कहिए कि उनके मूल काम से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं तो ये बार बार क्यों कह दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है इस छापेमारी से? अगर सब कुछ साफ है तो होने दीजिए जांच, उसमें डर किस बात का? ईडी आज जांच नहीं कर रही है। हाँ। लेकिन क्या ईडी के जांच में कुछ सामने आया है? ईडी जांच करने के जब आती है तो ईडी में कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आता, लेकिन पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी का बयान चले आता है। ईडी क्या उस विषय में बात जवाब देगी? ईडी जब बात करती तो वही रमन सिंह का बयान ईडी के बयान में आता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवाल उठेंगे ना। और तब जब एक राज्य सरकार खुद इस चीज की मांग कर रही है कि जो पूर्व में छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ है उस पर ईडी मौन रहती है, पनामा पेपर से मामले में ईडी मौन रहती है, चिटफंड घोटाले के मामले में मौन रहती है, तो सरकार का तो फायदा होता है ना कि ईडी का काम क्या है और ईडी क्या काम कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तैयार की करती है और वो उनका अधिकार भी है, वो कैसे भी अपनी रणनीति आगे मैनेज करें, लेकिन एक तरफ रणनीति तैयार होती है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू हो जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्शन होता है लेकिन यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है, सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए। मेरे को तो साफ तरस आता है कांग्रेस के लोगों की बुद्धि पर। छत्तीसगढ़ में शासन किसका है? कांग्रेस का है ना, 4.5 साल हो गए। क्या किया आपने चावल घोटाले पे? बहुत चिल्लाते थे आप, क्या हम देखेंगे सरकार में आएंगे, क्या हुआ? झीरम घाटी को 4.5 साल हो गए, क्या हुआ साहब, क्या किया आपने? आपकी सरकार है यहाँ पर और आप क्या कोतवाल हैं कि मुख्यमंत्री और सरकार चला रहे हैं? आप रोना रोते हैं, आपके पास इसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ठीक है, मैं मान लिया ईडी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कैसे भी कर रही है, आपकी एसीबी क्या कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है? 4.5 साल में क्या एक व्यक्ति को आप कन्विक्ट कर सके, एक आदमी को जेल भेज सके भारतीय जनता पार्टी के? आप चिल्ला रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के सचिवालय की सचिव जो है आज 6 महीने से जेल में है, जिसकी बेल नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, ईडी के पास क्या प्रूफ है? अरे आपके लोगों के पास से पैसा निकल रहा है, जेल में है लोग, आप भी करिए कार्रवाई, आपकी जो संस्थाएं हैं उससे करिए, यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार। इसलिए तो कह रहे हैं कि हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं, राहुल गांधी के ऊपर एक्शन होता है, छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई होती है, बदले की राजनीति है सिर्फ। ये बदले की कौन सी राजनीति साहब? यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, पकड़िए ना, कौन सा बदला है? आप क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए आज 16 से 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी राजस्थान में भी तो है ना कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में भी थी ना, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जेल में डाल दीजिए, आपकी संस्था में आपके पास भी है। और जहां तक दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी जी का, कानून किसने बनाया, फाड़ा किसने था मनमोहन सिंह जी की सरकार में? अरे ये तो कोर्ट को मानने वाले लोग ही नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था जब उनका चुनाव आयोग घोषित हुआ तो कानून को बदल रही थी? पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद उचित शर्मा जी के पास वापस लौटूंगा। धनंजय जी, जरा जल्दी से काउंटर रिएक्शन इस पर, वो बार बार कह रहे हैं कि एसीबी तो आपके पास है ना, अगर कोई आरोप था और अगर आपके मन में सवाल है तो एक्शन लीजिए ना, कौन रोक रहा है? इसी को बोलते हैं चोरी और सीना जोरी। जब चावल घोटाले 36,000 करोड़ के चावल घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया तो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जो हुआ करते थे धर्मराज कौशिक जी, न्यायालय जाते हैं और कहते हैं नहीं चावल चोरी का जांच नहीं होना चाहिए, इसके लिए आते हैं। अरे न्यायालय झीरम घाटी कांड सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए न्यायालय, सुन लीजिए गंदगी फैलाने और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना यार, सुन लीजिए, मैंने एक एक फाइल से धूल हटाया तो तकलीफ कैसे शुरू हो गई, बताया कि चोर चोर कैसे एक साथ न्यायालय हो गई ना। अरे विमल चोपड़ा जी, आपका यही तकलीफ है, आपकी तकलीफ की सच बर्दाश्त नहीं कर पाते, नरेंद्र मोदी सच बर्दाश्त नहीं कर पाते, न्यायालय जाने से रोकेंगे, आपने आरोप लगाया है ना, आरोप लगाया ना, नहीं तो होने दीजिए ना जांच सर। विमल जी, अगर आप खुल करके कह रहे हैं ना कि कार्रवाई कीजिए, एसीबी कार्रवाई करे, तो होने दीजिए फिर। अरे यदि आप बदले की राजनीति, यानी कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बदले की राजनीति हो रही है तो वो भी सही है फिर। नहीं न्यायालय जाइए ना,
हाँ। आप जाइए कोर्ट में, आपके नेताओं की जमानत नहीं हो रही है। बताया ना तो न्यायालय देखो कैसे चोरों को मिर्ची लग गई। बताया ना भाई, बताया ना कि चोरों को मिर्ची लग गई। नहीं सर, शब्दों का मर्यादा में सर। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं तो चोर बोल रहा हूँ। रमन सिंह ने, रमन सिंह की सरकार ने चावल चोरी हुआ, हमारी सरकार ने एसआईटी जांच किया, उस चोर को बचाने के लिए चोर के सहयोगी धरमलाल कौशिक न्यायालय जाते हैं। चोर को नहीं पकड़ना है। जीरा घाटी कांड, एसआईटी का गठन किया गया, इनके हथियारों के साथ खड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो न्यायालय जाते हैं। जीरो घाटी जांच नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है एक मिनट जरा, ठीक है धनंजय जी और विमल जी, ठीक है मैं जरा वापस लौटता हूँ, जरा उचित शर्मा जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ठीक है सर मैं वापस से लौटता हूँ। उचित शर्मा सर, अब सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक तरफ ईडी की कार्रवाई होती है और दूसरी तरफ ये सवाल उठा दिया जाता है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में शासन काल में अगर कोई अनियमितता हुई, नान घोटाला या फिर दूसरे अगर कोई काम हुए हैं ऐसे गलत, तो उसके खिलाफ एसीबी क्यों नहीं एक्शन लेती है। दूसरी तरफ ये कह दिया जाता है कि कोर्ट में जाकर के इस पर स्टे ले लिया जाता है, रोक दिया जाता है कि इस पर जांच ना हो, तो इस पर आगे सियासत होनी अभी लग रहा है कि इसी तरीके से सियासत भी होगी। जी देखिए, ईडी जो है वो तो सियासत का एक औजार है, वो एक टूल है कि सत्ता जिसकी भी रही है उसने उपयोग किया है। कांग्रेस की जब सत्ता थी तो उन्होंने थोड़ा किया, इन्होंने बड़ा किया, उपयोग सबने किया है, ये हो रहा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस तरीके से आप सिंघवी जी ने जो पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, आप देखेंगे तो जितने लोगों पर उन्होंने जो गणना दी है, तो जो सेलेक्टिव लोगों पे ईडी की इंक्वायरी हो रही है वो निश्चित तौर पे वो बहुत ही इस लोकतंत्र के, इस संविधान के पूरे खिलाफ, क्योंकि आप उनके फेडरल स्ट्रक्चर पे उनके अधिकारों पे हनन कर रहे हैं। आप अगर वाकई करना है तो क्या नहीं। अच्छा एक चीज ये भी है ना उचित सर, बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कह दिया जाता है कि अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है और आप हमारे इस शासनकाल के ऊपर सवाल उठाते हैं तो एसीबी क्यों चुप है। आपका शासनकाल है, एसीबी एक्शन ले। एग्जैक्टली ईओडब्ल्यू और एसीबी जो है वो भी केवल यहाँ पे, वो यहाँ राज्य की पपेट है। अगर ईडी केंद्र की पपेट है तो जो ईओडब्ल्यू और एसीबी जो राज्य की पपेट है। आप देखिए इतने मुद्दे हैं, वो पूर्व की सरकार को कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी को सजा नहीं दिलवा पाएंगे। ये केवल सजा दिलवाने की चेष्टा करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन सजा नहीं क्यों अभी तक। बहुत सही सवाल डॉक्टर ने भी बोला कि आपने अभी तक किसी को अंदर क्यों नहीं किया। अरविंद केजरीवाल भी आए थे तो हो जाना चाहिए था। आपने कितने लोगों को अंदर, क्या आपके 450 साल से आप पाप खोजते रहे। देखिए ये अलग इतर विषय है, लेकिन जो मूल विषय है जिन चीजों पे नैसर्गिक न्याय नहीं मिला, राहुल गांधी को नहीं मिला, जल्लेबाजी की गई, जो नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट तक जाना चाहिए, ये कॉन्स्पिरेसी तो है, राहुल गांधी के खिलाफ है, ये बात सत्य है। चलिए ठीक है, मैं इस पर भी मैं वापस लौट करके जानूंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है, क्या बड़ा षड्यंत्र भी है जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्या बदले की राजनीति है जिसका आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। मैं वापस आता हूँ सर आपके पास, लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं धनंजय जी आपसे लेता हूँ, उसके बाद मैं विमल जी आपके पास आता हूँ। धनंजय जी, अब सवाल तो ये है सर कि इतना समय बीत गया, आपका शासन भी है, बीजेपी के नेता तो बार बार कह रहे हैं ना कि एसीबी चुप क्यों है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो एविडेंस, अगर कोर्ट में गए तो आप भी कोर्ट में जाइए ना, सरकार क्यों नहीं पेश करती है सबूत तथ्य, सभी चीजें पेश कर दे। देखिए एसआईटी का गठन किसने किया था, राज्य सरकार ने किया था ना। एसआईटी की जांच को रुकवाने न्यायालय कौन गया, भाजपा नेता गए ना। ये बात आई है, चावल चोरी में अगर एसआईटी जांच करता तो पकड़ में कौन आता, जो हेरा फेरी करने वाले पकड़ में आते, घोटाले वाले पकड़ में आते। उन घोटालेबाजों के साथ भाजपा के नेता धर्मेंद्र कौशिक का क्या संबंध है जो एसआईटी जांच को रुकवाने के लिए चले गए। हमारे घोषणा पत्र में था, हम छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले की एसआईटी जांच कराएंगे, हमने एसआईटी बनाया। हमने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए एसआईटी बनाया, धर्मलाल कौशिक को क्या तकलीफ हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी क्या इसलिए तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एसआईटी का परिणाम क्या हुआ, काम करोगे उस एसआईटी बनाने का आखिर निष्कर्ष क्या निकला, अभी तक उस पर कोई एक्शन तो हुआ नहीं ना सर। कोर्ट ही उसमें निर्णय दे रही है, क्या कोर्ट के खिलाफ चले जाया, कोर्ट ने जब स्टे लगाकर रखा हुआ है, कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं कर रही है, तो क्या कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना सरकार करे। एसआईटी की जांच मैं पूछता हूँ ना, जो अपराधियों को पकड़ने के बाद थी उस चावल चोरी में हो चाहे झीरम घाटी कांड, मैं इसी सवाल के साथ जरा दूसरा सवाल भी जोड़ देता हूँ। दूसरा एक बड़ा मसला है सर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर बार बार इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सड़क पर उतरे हुए सवाल उठा रहे हैं। अब ये भी तो मसला कोर्ट का ही है ना, अब इसमें अगर आप अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। बिल्कुल कोर्ट की मानना नहीं, हम कोर्ट के फैसले को न्यायिक तरीके से, जो फैसला आया उसको न्यायिक तरीके से हम वहां पर जवाब देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी ने जो सदन में जो आवाज उठाया कि अडानी और मोदी के बीच में क्या रिश्ता है,
वो 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी को दिया गया, पैसा कहां से आता है? अडानी के हेरा फेरी के जेपीसी जांच की मांग जो सदन में हमारी नेताओं ने किया था, राहुल जी ने किया था, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। न्यायालय का जो फैसला है उसे न्यायिक तरीके से हम जवाब देंगे, लेकिन क्या ये बात समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार से सदन में राहुल जी बोल रहे थे तो माइक को बंद कर दिया गया, सदन के कार्य को बाधित करने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी दल के ही सांसद हंगामा कर रहे हैं, और अडानी और मोदी के बीच में क्या रिश्ता है? हाँ। उसका जवाब तो देना चाहिए। विमल जी, विमल जी, अब सवाल तो ये है कि पूर्व की तरफ से और जेपीसी जहां से नरेंद्र मोदी की सरकार घबरा रही है, बिना देरी के उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है, इसको लेकर के बड़े आरोप लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि सिर्फ ये बदले की राजनीति है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो सदन के भीतर अडानी और मोदी के संबंधों को जाहिर कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। इसीलिए नहीं, दोनों मुद्दे पे मैं जवाब दूंगा। हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे, कानून के थोड़े बहुत जानकार लोग बैठे, ये कानून में लिखा है कि कोई भी कोर्ट, छोटी भी कोर्ट, यदि 2 साल की किसी को सजा देती है तो उसकी संसद सदस्यता या जहां भी है वो रद्द होगी। 34 लोगों पे इस प्रकार की कार्रवाई आज तक हुई है, राहुल गांधी पहले नहीं है, क्यों फिर 34-33 लोगों के समय में यह आवाज क्यों नहीं उठाई गई कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? और जिस कानून में मनमोहन सिंह जी ने संशोधन करना चाहा था, उस संशोधन के कागज को फाड़ करके किसने फेंका था? राहुल गांधी ने स्वयं फेंका था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है, और राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो गई। क्या गांधी परिवार के लिए कोई अलग कानून बनना चाहिए साहब, कि वो कानून से बड़े हैं? कानून के हिसाब से ये फैसला लिखा उसमें कि जिस समय वो दोषी करार होगा 2 साल के लिए, उसी समय उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आप चिल्ला रहे हैं इस प्रकार से, और मैं ये बोलना पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं गए अदालत में अभी तक? आपने क्यों नहीं जो है स्टे लेने की कोशिश की? पवन खेड़ा जी 1 घंटे में ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और राहुल गांधी आज हो गया अभी तक नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जानते हैं कि कोर्ट से इनको राहत नहीं, नहीं वो कह तो रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं बार बार। 30 सेकंड जल्दी से आपको अडानी की बात बता दूं, बहुत भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। अडानी छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार के साथ, और राजस्थान में भी काम। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है। उजय शर्मा जी, उजय शर्मा जी, जरा जल्दी से एक जवाब। अच्छा ठीक है, ठीक है धनंजय जी, जरा जल्दी से, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। विमल जी जरा एक मिनट, विमल जी एक मिनट, जरा धनंजय जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए, काउंटर रिएक्शन जल्दी। क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी क्यों अडानी की तरह? चलिए ठीक है, समय समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, खैर माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी की ढाल बनकर के भूपेश बघेल सामने नजर आते हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई बार बार सवालों के घेरे में आ जाती है। लेकिन इसी को लेकर के सवाल उठता है कि क्या वाकई में एक तरफा कार्रवाई हो रही है संवैधानिक संस्था के द्वारा? बड़ा सवाल बना हुआ है।